किराना बिजनेस की मुश्किलें और उनके समाधान। किसी भी बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रॉफिट के साथ चालू रख पाना बहुत मुश्किल है। किराना बिजनेस का काम पूरी तरह से मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। जिसका जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, उसका उतना ही अच्छा बिजनेस होगा। किराना स्टोर, जनरल स्टोर, मिनी मार्ट और सुपर मार्केट बड़ी तेजी से खुल रहे हैं और बंद भी उतनी ही तेजी से हो रहे हैं। आज हम आपको किराना व्यापारियों के सामने आने वाली मुश्किलें और उनके समाधान के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बढ़ता कंपटीशन। किराना बिजनेस को आसान मानकर हर कोई शुरू कर देता है। इससे जिस जगह चार ही किराना स्टोर खुलने काफी हैं, वहां पर 10-12 दुकानें खुल जाती हैं, तो उस एरिया में किराना बिजनेसमैन में कंपटीशन शुरू हो जाता है। कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए होड़ मच जाती है। इससे किराना व्यापारी को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। इसके लिए आप अपने कस्टमर पर ध्यान दें और उसे सेटिस्फाई करें। अगर कोई ऑफर या स्कीम या सेल लगाकर आपके कस्टमर्स को तोड़ना चाहे, तो आपको भी अपने कस्टमर के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स निकालनी होंगी जिससे ग्राहक आपकी दुकान छोड़कर ना जाए। ग्राहकों का टूटना। बढ़ते कंपटीशन के कारण नए नए व्यापारी ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए तरह तरह की स्कीम्स या ऑफर्स चलाते हैं। इससे ग्राहक वहाँ चला जाता है जहाँ पर उसे सबसे ज्यादा फायदा होता है। इस मुश्किल का उपाय ये है कि आपको अपने ग्राहकों का विश्वास जीतना होगा। अपने पुराने ग्राहकों को हर तरह से सेटिस्फाई करें। उन्हें समय समय पर छोटा मोटा गिफ्ट ऑफर करें। ये गिफ्ट आपके दुकान के आइटम से अलग हो। ब्याज की समस्या। अगर कोई बिजनेसमैन लोन लेकर बिजनेस शुरू करता है, उसे हर महीने इंटरेस्ट चुकाना होता है। अगर प्रॉफिट इतना नहीं हो पाता कि इंटरेस्ट चुकाया जा सके, तो बिजनेस सिमटने लगता है। अगर आप लोन लेकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाएं और ये तय करें कि लोन का इंटरेस्ट और लोन किस तरह से चुकाया जाएगा। आप अपने ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए दुकान खोलने या बंद करने का समय थोड़ा सा बढ़ा दें। हो सके तो कोई साइड बिजनेस कर लें, जिससे नए नए कस्टमर आपके पास आएं। इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। कस्टमर डीलिंग। कस्टमर डीलिंग किराना बिजनेस के लिए सबसे जरूरी होती है। बिजनेस में ग्राहक से अच्छा बर्ताव ना करने के कारण ग्राहक टूट जाता है। इससे बचने के लिए ग्राहक के साथ अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। थोड़ा बहुत नुकसान सहकर ग्राहक को सेटिस्फाई करें, क्योंकि ग्राहक रहेगा तो नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। उधारी और पैसा टूटने का खतरा। किराना बिजनेस में आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए उधार पर माल देना पड़ता है। उधार लेने वालों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत ही उधार लेकर वापस ना करने की होती है। इस तरह के ग्राहक से दुकानदार की टेंशन बढ़ती रहती है। इसके समाधान के लिए ओके क्रेडिट अपनाएं। ये बहुत ही सरल और आसान ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री है। इसके जरिए आप आसानी से अपना उधार वापस पा सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। ओके क्रेडिट के जरिए आप ग्राहक को पेमेंट रिमाइंडर भी भेज सकते हैं और वो आपको ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर कर सकता है। तो आज ही डाउनलोड करें ओके क्रेडिट ऐप और उधारी के झंझट से बचें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे और बिजनेस टिप्स के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।